और फिलहाल एक खबर जयपुर से, जहां सीएम आवास पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है। सीएम अशोक गहलोत, अविनाश पांडे इस बैठक में मौजूद हैं। सचिन पायलट, मास्टर भंवरलाल मेघवाल भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और अन्य चार सदस्य इस बैठक में नहीं आए। राजनीतिक नियुक्तियां, राज्यसभा चुनाव पर बैठक में मंथन हो रहा है और सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर भी चर्चा का दौर जारी है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता सुशांत पारिक जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सुशांत, सीएम आवास पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक का दौर जारी है, कौन कौन बैठक में शामिल और क्या एजेंडा? देखिए, पहली बैठक पूजा, लेकिन 50% ही जो है सदस्य मौजूद हैं। चेयरमैन हैं अविनाश पांडे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अलावा मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल इस बैठक में मौजूद हैं, जबकि मंत्री हरीश चौधरी, विधायक महेंद्र जीत सिंह मालवीय, हेमाराम और दीपेंद्र सिंह जो है अलग अलग कारणों की वजह से इस बैठक में नहीं आए। कुल 8 सदस्य हैं इस कमेटी में, लेकिन 4 सदस्य ही बैठक में मौजूद हैं। करीब आधा घंटा हो गया है मुख्यमंत्री आवास पर, 10 से 15 मिनट बैठक और चलेगी, उसके बाद जो नेता PCC जाएंगे, फिर वहाँ से कलेक्ट्री सर्किल जाएंगे। बैठक का जो लबोलुआब है अभी तक का, बैठक में प्रदेश में जो राजनीतिक नियुक्तियाँ इसी महीने के अंत तक होनी हैं, पहला जो चरण कहें उसको लेकर सूचियाँ फाइनल हो चुकी हैं, उनको लेकर बातचीत हो रही है चारों नेताओं के बीच में, और उसके बाद जो 52 बोर्ड और जो एक तरीके से कहें अकादमियाँ हैं उनके अध्यक्ष बनाए जाने हैं, उनको लेकर कुछ नामों को लेकर पेच फंसा हुआ है। सत्ता और संगठन में दोनों नेताओं के बीच अलग अलग राय है, उसे लेकर अविनाश पांडे कोशिश कर रहे हैं एक समन्वय बनाने की। तो एक तरीके से मकसद यही है, लेकिन एक साथ तीसरा पहलू ये भी है कि राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, जिस तरीके से लगातार जनहित की योजनाओं को लागू किया जा रहा है, निरोगी राजस्थान जैसे बड़े अभियान हैं, इन्हें कैसे सत्ता और संगठन के तालमेल से दूर दराज के क्षेत्रों तक आम आदमी तक पहुँचाया जाए, इस बात को लेकर भी चर्चा है। इसके अलावा एक चर्चा इस बात को लेकर भी है कि अप्रैल में राज्यसभा की 3 सीटें जो हैं वो खाली होंगी राजस्थान में, उनमें 2 सीटों पर कांग्रेस के जीतने की प्रबल संभावना है आंकड़ों के हिसाब से। तो इन सीटों को लेकर उम्मीदवारी किस तरीके से हो, क्या राजस्थान से नाम जाए दोनों नाम, या एक नाम बाहर से एक नाम यहां से हो, इन सब मुद्दों को लेकर भी मंथन चल रहा है। वहीं पर गौर करने वाली बात सुशांत यहां पर यह है, क्योंकि 8 सदस्य होने थे शामिल इस मीटिंग में और ऐसे में 4 ही सदस्य फिलहाल शामिल हुए, हालांकि वो चारों सदस्य दिग्गज हैं। तो ऐसे में फिलहाल मेरा सवाल यह कि क्या जो भी चर्चा यहां पर हो रही है, क्या उन 4 सदस्यों के शामिल नहीं होने के चलते किसी निर्णय पर पहुंच पाएगी? देखिए, ये हैरानी भरा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक है और पहली बैठक में अगर सदस्य मौजूद नहीं रहते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक तरीके से सवाल खड़ा होता है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि 2 दिन पहले ही इस बैठक का जो है बैठक का कार्यक्रम जारी किया गया, क्योंकि इन चारों नेताओं के पहले से कार्यक्रम तय थे, परिवार में विवाह समारोह है या किसी जगह कार्यक्रम आपने पहले दे रखा है, तो ऐसे में समय पर सूचना नहीं मिलने से दूर दराज से आने वाले जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो नहीं पहुंच पाए, ये अपने आप में हैरानी भरा है। कार्यक्रम की सूचना बहुत शॉर्ट टाइम पे मिली है, इस वजह से नहीं पहुंच पाना, लेकिन बैठक में सदस्यों की गैर मौजूदगी से निश्चित तौर पर जो मंथन होना चाहिए उस पर असर पड़ेगा। लेकिन 3 वरिष्ठ नेता और एक मंत्री जो हैं वो मौजूद हैं, अपनी नुमाइंदगी एक तरीके से कहें, अपनी जो लोग हैं जो कमेटी में, उनको कन्वे कर सकते हैं कि इन मुद्दों पे बात हुई है या इस तरह का डिसीजन जो है लिया गया है, लेकिन 4 सदस्यों की गैर मौजूदगी निश्चित तौर पर हैरानी भरा जरूर है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर जो तमाम मुद्दे आपने बताए उन तमाम मुद्दों पर चर्चा जरूर फिलहाल हो रही है और निर्णायक क्या ये चर्चा हो पाती है या नहीं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दे और पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशांत।